यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 18। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 18। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, तुम लोग जो इस्राएल देश के विषय में यह कहावत कहते हो कि जंगली अंगूर तो पुरखा लोग खाते परंतु दांत खट्टे होते हैं लड़के बालों के, इसका क्या अर्थ है? प्रभु यहोवा यो कहता है कि मेरे जीवन की शपथ, तुमको इस्राएल में फिर यह कहावत कहने का अवसर न मिलेगा। देखो, सबों के प्राण तो मेरे हैं, जैसा पिता का प्राण वैसा ही पुत्र का भी प्राण है, दोनों मेरे ही है। इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा, जो कोई धर्मी हो और न्याय और धर्म के काम करे और न तो पहाड़ों पर भोजन किया हो, न इस्राएल के घराने की मूर्तों की ओर आंखें उठाई हो, न पराई स्त्री को बिगाड़ा हो और न कृत्रिमती के पास गया हो और न किसी पर अंधेर किया हो, वरन कुरूणी को उसकी बंधक फेर दी हो, न किसी को लूटा हो वरन भूखे को अपनी रोटी दी हो और नंगे को कपड़ा ओढ़ाया हो, न ब्याज पर रुपया दिया हो, न रुपये की बढ़ती ली हो और अपना हाथ कुटिल काम से रोका हो, मनुष्य के बीच सच्चाई से न्याय किया हो और मेरी विधियों पर चलता और मेरे नियमों को मानता हुआ सच्चाई से काम किया हो, ऐसा मनुष्य धर्मी है, वह निश्चय जीवित रहेगा। प्रभु यहोवा की यह वाणी है। परंतु यदि उसका पुत्र डाकू, हत्यारा व ऊपर कहे हुए पापों में से किसी का करने वाला हो और ऊपर कहे हुए उचित कामों का करने वाला न हो और पहाड़ों पर भोजन किया हो, पराई स्त्री को बिगाड़ा हो, दीन दरिद्र पर अंधेर किया हो और औरों को लूटा हो, बंधक न फेर दी हो, मूर्तों की ओर आंख उठाई हो, घृणित काम किया हो, ब्याज पर रुपया दिया हो और बढ़ती ली हो, तो क्या वह जीवित रहेगा? वह जीवित न रहेगा, इसलिए कि उसने ये सब घिनौने काम किए हैं, वह निश्चय मरेगा और उसका खून उसी के सिर पड़ेगा। फिर यदि ऐसे मनुष्य के पुत्र हो, वह अपने पिता के ये सब पाप देखकर भय के मारे उनके समान न करता हो, अर्थात न तो पहाड़ों पर भोजन किया हो, न इस्राएल के घरानों की मूर्तों की ओर आंख उठाई हो, न परस्त्री को बिगाड़ा हो, न किसी पर अंधेर किया हो, न कुछ बंधक लिया हो, न किसी को लूटा हो, वरन अपनी रोटी भूखे को दी हो, नंगे को कपड़ा ओढ़ाया हो, दिन जन की हानि करने से हाथ रोका हो, ब्याज और बढ़ती न ली हो, मेरे नियम को माना हो और मेरी विधियों पर चलता हो, तो वह अपने पिता के अधर्म के कारण न मरेगा वरन जीवित ही रहेगा। उसका पिता जिसने अंधेर किया और लूटा और अपने भाइयों के बीच अनुचित काम किया है, वही अपने अधर्म के कारण मर जाएगा। तो भी तुम लोग कहते हो, क्यों? क्या पुत्र पिता के अधर्म का भार नहीं उठाता? जब पुत्र ने न्याय और धर्म के काम किया हो और मेरी सब विधियों का पालन कर उन पर चला हो, तो वह जीवित रहेगा। जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। न तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और न पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। परंतु यदि दुष्टजन अपने सब पापों से फिरकर मेरी सब विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म के काम करे, तो वह न मरेगा, वह जीवित रहेगा। उसने जितने अपराध किए हो उनमें से किसी का स्मरण उसके विरुद्ध न किया जाएगा। जो धर्म का काम उसने किया हो उसके कारण वह जीवित रहेगा। प्रभु यहोवा की यह वाणी है। क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? परंतु जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम वरन दुष्ट के सब घृणित कामों के अनुसार करने लगे, तो क्या वह जीवित रहेगा? जितने धर्म के काम उसने किए हो उनमें से किसी का स्मरण न किया जाएगा। जो विश्वासघात और पाप उसने किया हो उसके कारण वह मर जाएगा। तो भी तुम लोग कहते हो कि प्रभु की गति एक सी नहीं। हे इस्राएल के घराने, देख, क्या
मेरी गति एक सी नहीं? क्या तुम्हारी ही गति अनुचित नहीं है? जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम करने लगे तो वह उनके कारण मरेगा, अर्थात वह अपने टेढ़े काम ही के कारण मर जाएगा। फिर जब दुष्ट अपने दुष्ट कामों से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे तो वह अपना प्राण बचाएगा। वह जो सोच विचार कर अपने सब अपराधों से फिरा इस कारण न मरेगा, जीवित ही रहेगा। तो भी इस्राएल का घराना कहता है कि प्रभु की गति एक सी नहीं। हे इस्राएल के घराने, क्या मेरी गति एक सी नहीं? क्या तुम्हारी ही गति अनुचित नहीं? प्रभु यहोवा की यह वाणी है, हे इस्राएल के घराने, मैं तुमसे हरेक मनुष्य का न्याय उसकी चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण न होगा। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हे इस्राएल के घराने, तुम क्यों मरो? क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे।